मैं रो क्यों रही हूँ? तुम यहाँ से चले जाओ अजी, अब यहाँ कभी मत आना। तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? मैंने कहा ना, यहाँ से चले जाओ। ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ आए थे। क्या? उन्होंने यहाँ आकर मुझसे झगड़ा किया। तुम्हें पता है उन लोगों ने मेरी पुलिस में कंप्लेन कर दी है। मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आया था, मुझसे पूछताछ कर रहे थे। मैं चाहती तो उन्हें सब सच बता देती कि उस रात नशे की हालत में तुमने मेरे साथ क्या किया, पर क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, यू नो। पर उन्होंने मुझे कहा कि वो लोग फ़ोन करेंगे और मुझे पुलिस स्टेशन बुलाएंगे पूछताछ करने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। अंजलि, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी मॉम डैड की प्रॉब्लम क्या है, क्या करूँ उनका मैं? अजी, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? ऑफ कोर्स करता हूँ, पर मैं अपनी मॉम डैड का क्या करूँ? तो फिर तुम टेंशन मत लो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं हम दोनों के बीच किसी को नहीं आने दूंगी। यू नो, तुम्हारे मॉम डैड का प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं तुम्हें लेकर? क्योंकि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ जीत, वो चाहते हैं कि जिंदगी भर तुम उन्हें पालो, पैसा कमाने की मशीन समझते हैं तुम्हें, ताकि तुम जिंदगी भर बैठकर उन्हें पैसे कमाकर देते रहो, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। अंजलि, पर मैं अब क्या कर सकता हूँ? तुम वैसा ही करो जो मैं तुम्हें कहती हूँ, फिर देखना हमारे बीच कोई नहीं आ पाएगा। ठीक है। और इस वाले का? तो ये वाला, ये तो आ गया। Guys, it's a break time. Thank you so much, mom. ऐसे पढ़ने का मन नहीं हो रहा। मेरा भी हो गया था। Thank you. Thank you. अच्छा मम्मी, पॉकेट मनी दे देना। अरे वेरी स्मार्ट हाँ, मैं लेकर आती हूँ। जी, तुम जूस पियो। हाँ। अच्छा भाई सुना, मैं चलता हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है? भाई घर जा रहा हूँ, लेट हो जाएगा। अरे मैं भी चल रहा हूँ साथ में, छोड़ दूंगा। भाई समझा कर बात को। अरे मैं हूँ ना, छोड़ दो। भाई यार तू कभी नहीं। दिस इज फॉर यू। And this is for you, Ajit. अरे आंटी प्लीज, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। अरे रख लेना, ये देख मुझे तो 500 मिले थे, 2000 मिल रहे, अपन बाहर हिसाब करते हैं। थैंक यू आंटी। अच्छा मम्मी हम लोग आते हैं, जल्दी आना राहुल जी। बाय। अजीत, हाँ कहाँ जा रहे हैं? शाम होने वाली है। अरे पापा वो ग्रुप से। अरे कहाँ जा रहा होगा, वही जा रहा होगा राहुल के घर, आजकल वही तो पड़ा रहता ही है। अरे मम्मी अब आप भी शुरू हो गए। अच्छा देख अजीत, राहुल की माँ की हरकतें ना मुझे ठीक नहीं लगती, वहाँ ना जाया करो ना तो ही अच्छा। 12th है इस बार तुम्हारा, पढ़ाई में ध्यान दोगे तो अच्छा होगा। पापा मेरी बात सुनना ही नहीं चाह रहे, वहाँ पर मैं ग्रुप स्टडी के लिए ही जा रहा हूँ, और पापा अंजलि आंटी हमारी हेल्प करती है पढ़ाई में। अच्छा जब तू बाकी दोस्तों के घर पढ़ाई करने के लिए जाता है तो उनकी मम्मियां तो तुझे पैसे नहीं देती है, हाँ फिर वो क्यों देती है? देखो अंजलि आंटी मुझे राहुल की तरह प्यार करती है इसलिए पैसे देती है। अच्छा अब हम ही गलत बात कर रहे हैं। देख बेटा तेरी भलाई के लिए हम लोग समझा रहे हैं, राहुल से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंजलि से प्रॉब्लम है, उससे दूर रहेगा ना तो ही अच्छा है। अच्छा पापा ठीक है, उनके घर नहीं जाता, पर अभी मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, उसकी पार्टी में जा रहा हूँ, वहां जा सकता हूँ ना? हाँ ठीक है। सुन जल्दी आना। पता नहीं क्यों मैं अपने पेरेंट्स से झूठ बोल रहा हूँ, अभी मैं अंजलि आंटी के घर जा रहा हूँ,
अब वो मुझसे प्यार ही इतना करती है, मेरा ख्याल रखती है, मुझे पैसे देती है, शॉपिंग कराती है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये बात मैं अपने पेरेंट्स को समझाऊं कैसे। और शायद यही वजह है कि मैं अपने पेरेंट्स से झूठ बोल रहा हूँ। मॉम, अरे कहाँ हो? आ गया आपका लाडला अजीत। आओ, केक नहीं काटना क्या? केक? हाँ। आज आंटी का बर्थडे? हाँ, क्यों तुझे पता नहीं था? भाई तू कुछ भी करता है यार, बता तो देता कि आंटी का बर्थडे है, कुछ गिफ्ट ले आता यार उनके लिए। कुछ नहीं होता, कोई नहीं। चल भाई, ऐसे अच्छा नहीं लगता। It's my birthday. Happy birthday, आंटी। Thank you, अजीत। लव मैं खोल देता हूँ। So how are you? I'm good, आंटी। How are you? Amazing. आंटी, केक बहुत अच्छा है। Thank you. लीजिए मॉम, काटिए। Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mom. Happy birthday to you. मुझे नहीं खिला रहा। अच्छा मॉम, मैं ये कह रहा था आज आपका बर्थडे तो बियर तो बनता है। देखो मॉम, प्लीज मना मत करना, आज मौका भी है और आपका बर्थडे भी है। चल ठीक है, मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ, मैंने लाई। सो स्मार्ट। हाँ, यस। और अजीत, तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आए? एक्चुअली आंटी, राहुल ने बताया नहीं कि आपका बर्थडे, वरना पक्का आपके लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा गिफ्ट लेके आता मैं। इट्स ओके, तुम आ गए, यही मेरे लिए गिफ्ट है। Mom, it's beer time. मैं ग्लास ले आता हूँ। ये और ये मेरे लिए है। Make your drinks. Yes. It's for you. अजीत, ये तेरे लिए। भाई तेरे को पता है ना मैं ड्रिंक नहीं करता, अब प्लीज बोलो ना इसको। इट्स ओके, प्लीज पी लो, आज मेरा बर्थडे है, मना मत करो। अरे कुछ नहीं होगा। ले। आई नो अजीत, तुम यही सोच रहे होंगे कि कैसी मॉम है, अपने ही बेटे को बियर पीने के लिए अलाउ कर रही है ना? नहीं आंटी, ऐसे कोई बात नहीं। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, आई एम अ सिंगल मॉम एंड मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा मुझसे झूठ बोल के मेरे पीठ पीछे पिए। सो इट्स बेटर ना कि मेरे साथ बैठ के मेरी आंखों के सामने पिए, है ना? चलो, नाउ लेट्स चीयर्स। 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 इट्स ओके, इट्स ओके, धीरे धीरे पियो, कोई जल्दी नहीं है। कड़वा यार।
आई एम डन, मैं जा रहा हूँ सोने। ओके, गो टू द बेडरूम। नहीं आंटी, बहुत हो गया। लास्ट, बहुत हो गया। फॉर मी। आंटी अब बहुत लेट हो गया, मैं चलता हूँ। ठीक है, बहुत टाइम हो गया। ओके। सॉरी आंटी। इट्स ओके, आई थिंक तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, काफी लेट भी हो गया। आज तुम यहीं सो जाओ। ठीक है आंटी। सुबह चले जाना। ठीक है। ओके, आई टेक यू टू बेडरूम, कम। इजी। ओके, बी केयरफुल। हाँ लेट, चलो संभाल के, संभाल के। इधर बैठो, सिट सिट। यू ओके? हाँ? एक बात बोलूं? बोलो। आई लव यू। अजीत, अजीत, गुड मॉर्निंग। चलो उठो, चाय पी लो। आंटी, मेरे कपड़े कहाँ पर है? मेरे कप कप किसने उतारे? मैंने उतारे। पर क्यों? क्यों? तुम्हें कुछ याद नहीं है? कल रात तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी और नशे की हालत में तुम बहुत मदहोश हो गए और तुमने मेरे साथ वो किया जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। आंटी देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ये सब गलत है। यही सही है, यही सही है। मुझे पता था कि तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। कल रात तुमने मेरा रेप किया है। नहीं नहीं आंटी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप मेरी माँ की उम्र की है। मुझे पता था, मुझे पता था कि नशे की हालत में तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने हमारे सारे मोमेंट्स कैप्चर कर लिए। सी, लवली ना? आंटी आई एम रियली सॉरी, प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो। हाँ आंटी, मैंने कहा था ना कि तुम अपनी आदर्श खो बैठोगे, तुम्हें कुछ याद नहीं है। आंटी मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप मेरी माँ की उम्र की हैं, ऊपर से मेरी फ्रेंड की भी मॉम है, प्लीज मुझे घर जाने दो। ये सब कल नहीं सोचा था? हाँ, करने से पहले नहीं सोचा? तो
आप क्यों सोच रहे हो? आंटी प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो। कर दूंगी, पर जो तुमने कल किया था वो तुम्हें रोज करना पड़ेगा, वरना। वरना क्या आंटी? वरना ये वीडियो पुलिस स्टेशन में दे दूंगी। नहीं आंटी। और कहूंगी कि तुमने मेरा रेप किया। आंटी ऐसा कुछ मत करते। चलो अब जाओ और कल टाइम पर आ जाओ। वो रही तुम्हारी टी शर्ट। बाय बेबी। अजीत के साथ जो हुआ वो शॉकिंग था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसे अंजलि से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इनफैक्ट अंजलि को वो अपने माँ के समान मानता था। लेकिन अंजलि के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अब वो उसे ब्लैकमेल करने लगी थी। अजीत अंजलि के चंगुल से निकल पाएगा? अगर हाँ तो कैसे? अरे बेटा कहाँ था तू रात भर? फ्रेंड के घर पे था। अरे तो फोन तो करके जाया कर। अरे आ गया तू, कहाँ था रात भर? अरे पापा राहुल के घर पे था, पढ़ते पढ़ते टाइम ज्यादा हो गया तो वहीं सो गया। अरे फोन तो कर दिया होता, तुझे पता भी हम कितने टेंशन में थे। अरे मरने गया था मैं, और हटे आप लोग ध्यान मत दिया करो मेरे को। अरे ये क्या बोल रहा है तू? अरे तमीज भूल गया क्या बात करने की? अरे आप बड़ा क्यों रहे उसके ऊपर? हाँ देख नहीं रहे हो बेचारा पहले ही टेंशन में है, पूरी रात पढ़ाई करके आया है। जाओ बेटा तुम जाके आराम कर लो, जाओ आप बैठ जाइए, बैठ जाइए ना। हाँ आप भी खामा खा चिढ़ जाते हैं, हम बाद में बात कर लेंगे उससे। हाँ बुरा तो मुझे भी लग रहा था, पर मैं करता भी क्या, मैं उसका गुलाम बन चुका था और वो जब चाहती थी मुझे यूज करती थी, मुझसे खेलने लगी थी वो, और कहीं ना कहीं मुझे भी मजा आ रहा था। बोला मैंने उसको कल शाम तक तो हो ही जाएगा अपना काम। हाँ हाँ नहीं नहीं फोन कर दिया मैंने उसको। हाँ अजीत 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 सुन इधर, अरे सुन तो इधर। ओ माय बेबी, याद तो मुझे भी तुम्हारी बहुत आ रही है, पर क्या करूँ मैं तो वहां नहीं आ सकती, तुम यहाँ आ जाओ। अरे नहीं नहीं अभी नहीं, पापा है घर पे, मैं कल सुबह आता हूँ। अच्छा सुनो तुमने वो हॉट वाली ड्रेस डालना। कौन सी वाली? वाइट वाला, तुम्हारी फेवरेट ड्रेस। हाँ Anything for you. सुनिए खाना तैयार है। भूख नहीं है मुझे नैना। भूख तो मुझे भी नहीं है, रात दिन मुझे अजीत की चिंता सताई जाती है। पता नहीं उस चुड़ैल ने क्या जादू किया है मेरे बेटे पे, मेरा बेटा तो हाथ से निकलता ही जा रहा है। नैना अजीत के दिल से तो डर भी खत्म हो चुका है, अब तो हमारी इज्जत भी नहीं कर रहा है। अंजलि का हमें कुछ ना कुछ करना होगा, हम अपने बेटे को ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। कल जाकर है ना अंजलि से ही बात करते हैं। आप लोग हमें तुमसे कुछ बात करनी है। आइए बताइए क्या बात थी, क्या दुश्मनी अजीत से तुम्हारी? हाँ क्या बिगाड़ा है मेरे बेटे ने तुम्हारा, आखिर क्यों पीछे पड़ी हो मेरे बेटे के? मतलब ये क्या कह रही हैं? मतलब तुम सब जानती हो अजीत यहाँ क्यों आता है और दिन दिन भर यहाँ क्यों पड़े रहता है, हम सब कुछ जानते हैं। प्लीज अजीत की जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी बोलते रहेंगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। और रही बात अजीत की, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग उसके साथ में क्या क्या करते हो। उसे घर में कैद करके रखते हो, उसे मारते हो पीटते हो टॉर्चर करते हो,
उसको यहाँ अच्छा लगता है, मैं उसका ख्याल रखती हूँ, और वो यहाँ अपनी मर्जी से आता है, मैं कोई से जबरदस्ती नहीं लेकर आती। ख्याल रखती हो? हमें सब पता है कि तुम उसका किस तरीके से ख्याल रखते हो। देखो, हमें कुछ नहीं सुनना है, हमारे बेटे का पीछा छोड़ दो। सुनना तो मुझे भी कुछ नहीं है, और भलाई इसी में होगी कि आप लोग यहां से चले जाओ। देख, अगर तूने मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ा ना, तो हम तेरी पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। पुलिस कंप्लेंट? वो भी मेरी? मेरी पुलिस कंप्लेंट करोगी? हाँ, मैं तुम्हारे बेटे के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करती, वो खुद यहाँ अपनी मर्जी से आता है, मैं कोई उसका हाथ पकड़ कर नहीं लेकर आती। ठीक है, समझाना है तो अपने बेटे को समझाओ, उसको यहाँ आने से रोको, मुझे नहीं। अब जाओ यहाँ से, जाओ। अंजलि, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तुम यहाँ से चले जाओ अजी, अब यहाँ कभी मत आना। तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? मैंने कहा ना, यहाँ से चले जाओ। ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ आए थे। क्या? उन्होंने यहाँ आकर मुझसे झगड़ा किया। तुम्हें पता है, उन लोगों ने मेरी पुलिस में कंप्लेन कर दी है। मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आया था, उससे पूछताछ कर रहे थे। मैं चाहती तो उन्हें सब सच बता देती कि उस रात नशे की हालत में तुमने मेरे साथ क्या किया, पर क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, यू नो। पर उन्होंने मुझे कहा कि वो लोग फोन करेंगे और मुझे पुलिस स्टेशन बुलाएंगे पूछताछ करने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। अंजलि, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी मॉम डैड की प्रॉब्लम क्या है, क्या करूँ उनका मैं। अजी, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? ऑफ कोर्स करता हूँ, पर मैं अपनी मॉम डैड का क्या करूँ? तो फिर तुम टेंशन मत लो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं हम दोनों के बीच किसी को नहीं आने दूंगी। यू नो, तुम्हारे मॉम डैड का प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट है तुम्हें लेकर? क्योंकि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ जी, वो चाहते हैं कि जिंदगी भर तुम उन्हें पालो, पैसा कमाने की मशीन समझते हैं तुम्हें, ताकि तुम जिंदगी भर बैठकर उन्हें पैसे कमाकर देते रहो, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। अंजलि, पर मैं अब क्या कर सकता हूँ? तुम वैसा ही करो जो मैं तुम्हें कहती हूँ, फिर देखना हमारे बीच कोई नहीं आ पाएगा। ठीक है। हाँ हाँ मनोज, बोल दिया मैंने उसको, हो जाएगा अपना काम। पापा, क्या किया आप लोगों ने आज? क्यों, क्या हुआ? आपने अंजलि आंटी के यहाँ पुलिस भेजी, क्या जरूरत थी आपको यार? क्यों पीछे पड़े हो आप लोग उसके? नीची आवाज में बात कर, बापू तेरा मैं, और जो किया ना तेरे अच्छे के लिए किया मैंने। अरे सब समझ में आता, कितना अच्छे के लिए किया, बच्चा नहीं हूँ मैं। अजीत बेटा, वो औरत सही नहीं है। अरे यार, क्यों पीछे पड़े हो उसके, क्या बिगाड़ा है उसने आपका? अजीत, समझने की कोशिश करो, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, और हम तुम्हारे माँ बाप है, हम तुम्हारा बुरा कभी नहीं होने देंगे। सब समझ में आ रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन इस्तेमाल नहीं कर रहा है? आपको मेरे से नहीं, मेरे पैसे से मतलब है। मैं पैसे कमाऊं और आप लोगों को खिलाऊं बैठ के, और कुछ नहीं, मेरे से मतलब है ही नहीं आप लोगों को। अजीत, ऐसे बात करता है कोई अपने बाप से? हाँ, जा अंदर। जहां एक और अंजलि अजीत का इस्तेमाल कर रही थी, वहीं दूसरी ओर अजीत को भी अंजलि के साथ रहना अब अच्छा लगने लगा था। वो ये नहीं जानता था कि अंजलि के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। इधर अजीत के माँ बाप को अजीत की फिक्र हो रही थी, लेकिन अंजलि बहुत शातिर थी, उसने अजीत के साथ मिलकर अजीत के माँ बाप को बेबस कर दिया था। फिर एक दिन वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली थी। इसका हम, हाँ इसी का कह रहा हूँ, ये इसमें हम डाल सकते। अजीत, राहुल, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं एक घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, ठीक है? जी मैम। बाय गाइस। बाय। ठीक है, तो इसमें तुम, ओह
कौन आया? आप यहाँ? आप दोनों से कुछ बात करनी थी। आइए। मैं आप दोनों से माफी मांगने के लिए आई। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब करने के लिए मैं मजबूर थी, आपके बेटे के साथ में रिलेशन बनाने के लिए, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए कि उसने मेरे साथ में नशे की हालत में क्या हरकत की थी। इसके बाद मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता था। इसीलिए मैंने आपके बेटे के साथ में रिलेशन बनाए और मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। और आज भी मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो! ये क्या कर रही हो तुम? तुम लोगों ने मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। छोड़ो मेरे पति को, छोड़ दो इन्हें, छोड़ो इनको, छोड़ दो इनको, छोड़ो उन्हें, छोड़ो, छोड़ो। तुम क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? छोड़ो इन्हें। अरे उठो, क्या हो गया तुम्हें? उठो। पापा, मम्मी, 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 मम्मी उठो ना, मम्मी, मम्मी, मम्मी उठो ना, मम्मी, 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 क्या करूंगा पापा? पापा, मम्मी, अजीत संभालो खुद को, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। देखो ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरे पापा ने किसी का क्या बिगाड़ा था, उनको कोई क्यों मारना चाहेगा? मैं अकेला पड़ गया हूँ। कैसी बातें कर रहे हो अजीत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो अभी रोना बंद करो, हाँ मैं सब संभाल लूंगी।
राहुल जाओ इसके लिए ग्लास पानी लेकर आओ। जी। संभालो खुद को, अब रोना बंद करो। हाँ प्लीज ये लो पानी पियो। राहुल तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मैं इसको संभालती हूँ। हाँ जी मैम। ये लो पानी पियो पियो। देखो अजय इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं। हाँ इस तरह रोकर तुम अपनी मम्मी पापा को और ज्यादा हर्ट करोगे। तुम ही बताओ मैं अब क्या करूं, किससे बात करूंगा, कौन मुझे बात। तुम शांत हो जाओ, मैं एक काम करती हूँ तुम्हारे लिए कप चाय बनाकर लाती हूँ। प्लीज मुझे घर जाने दो, ये चाय नहीं पीनी, मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। देखो आज रात तुम यहीं रुक जाओ, बल्कि यहीं पर मेरे साथ में शिफ्ट हो जाओ। आज रात हम दोनों बहुत प्यार करेंगे। अंजलि प्लीज। देखो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। प्लीज मुझे बिल्कुल मूड नहीं है, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी घर जाने तो, और मैं तुम्हारे साथ शिफ्ट नहीं हो सकता, मेरी बात को समझो। मैं यहाँ रहूँगा, राहुल को हमारे बारे में सब पता चल जाएगा। राहुल को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं उसको समझा दूंगी। तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। हाँ अंजलि प्लीज अभी मुझे घर जाने दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। प्लीज। अच्छा ठीक है, पर कल वापस आ जाना, अपना सब सामान ले आना, कल से तुम मेरे साथ रहोगे। देखो मुझे सोचने का समय चाहिए, प्लीज मुझे फोर्स मत करो, मुझे भी घर जाने दो। अच्छा फाइन ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। जी इंस्पेक्टर साहब। अजीत जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, इससे ये पता चला है कि आपके पेरेंट्स को गला दबा के मारा गया है। तुम्हारे माता पिता की बॉडी पर किसी लेडीज के नाखून का निशान मिला है। अभिजीत आपको किसी पर शक है या आपके पेरेंट्स का कोई दुश्मन जिसे आप जानते हो? जी इंस्पेक्टर साहब मेरे पास सबूत भी है, आप जितनी जल्दी हो सकता है तुरंत यहाँ पर आ जाइए। मुझे पता है कि मर्डर किसने किया। तुमने मेरे माँ बाप को क्यों मारा, क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा, बोलो। मेरी जरूरत बन गए थे और वो दोनों हम दोनों के बीच में आ रहे थे। मैं तो तुम्हारे साथ ही था, उन्हें मारने की क्या जरूरत थी। तुम जैसी माँ होने से अच्छा मेरा दोस्त अनाथ ही होता। तो देखा आपने कैसे अंजलि की लालच और हवस ने अजीत की जिंदगी में भूचाल ला दिया, यहां तक कि अजीत के मां बाप को अपनी जान गंवानी पड़ी। अंजलि शायद ये भूल गई थी कि अजीत उसके बेटे की तरह है। आज अजीत अनाथ हो चुका है और वो आज भी
अपनी माँ बाप की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है। अंजलि को पुलिस ने सबूतों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है और अब वो जेल में है। अंजलि का बेटा राहुल अपनी नानी के पास रहता है। इसी के साथ मैं अनुराग मिश्रा आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा अपराध के नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।